खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। आज खबरें अब तक में बात होगी यूपी उपचुनाव में उलझे सियासी समीकरण की, राजनीति की साजिश का शिकार हुई विनेश फोगाट की, बांग्लादेश में मचे आतंक और भारत के प्रभाव की, साथ ही साथ आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर संसद में खेल मंत्री का बयान, विपक्ष का लोकसभा से वॉकआउट। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा आया, इसीलिए उनको अयोग्य घोषित किया गया। विनेश जीती थी, भारत सरकार ने उनकी मदद की थी। वहीं खेल मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने हंगामा काटा। 15 अगस्त को देश को मिलेगा इसरो से गिफ्ट, लॉन्च होगा EOS-8 सैटेलाइट। इसरो अपने नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसकी लॉन्चिंग SSLV-D3 रॉकेट से की जाएगी। इसरो इसकी लॉन्चिंग स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को सुबह तकरीबन 9:17 पर करेगा। नेपाल में एक और हवाई हादसा, काठमांडू में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। नेपाल में एक और हवाई हादसा हुआ, राजधानी काठमांडू के बाहर वन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। बांग्लादेश मुद्दे पर आया महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती, हमारे देश को लेना चाहिए सबक। बांग्लादेश मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश को उससे सबक लेना चाहिए। मजबूती के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 875 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार। बुधवार के कारोबारी सत्र के बाद सेंसेक्स तकरीबन 874 अंकों की बढ़त के साथ तकरीबन 79,478 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 1317 अंक चढ़कर तकरीबन 24,310 के स्तर पर पहुंच कर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका बहुत स्वागत है, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आज की वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा मचा, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। मामला था छेड़छाड़ के आरोप का। एक पक्ष की युवती बोली, बार के अंदर मेरा रेट पूछा गया, विरोध करने पर दूसरे ग्रुप की लड़की ने मुझे धमकाया और कहा कि वो DSP की बेटी है। पहले तो देखिए ये वीडियो। एक लड़का था जिसने उसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे, उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा DSP, मेरे पापा DSP। हमने बोला कि DSP से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इससे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा, उन्होंने गुस्सा किया उस नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष का दावा था कि महिला के साथ के व्यक्ति ने नाचते समय उनके साथ आई युवती का हाथ पकड़ लिया था। जब इसका विरोध किया गया तो झगड़ा शुरू हो गया।
पुलिस ने जीआईपी चौकी पर दोनों पक्षों से लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन दोनों पक्षों ने मौखिक आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत देने से मना कर दिया। इसके बजाय दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करने की बात की और अपने अपने घर लौट गए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग गौर सिटी के रहने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से सीएम योगी उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ठीकरा योगी पर ही फोड़ा गया था, इसलिए इस बार उपचुनाव में सीएम योगी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। वहीं इस बार योगी को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी पहली बार अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, फिर सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। उसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई, पहले विधायकों संग बातचीत की, फिर अयोध्या के बीजेपी नेताओं संग करीब घंटे भर तक बैठक की। इस मीटिंग का एजेंडा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। बीजेपी की जीत दिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। वहीं यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में योगी का सपा से सीधा मुकाबला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में तय किया गया है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव के जीत की इबारत लिखेंगे। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव का मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों ही सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते और सांसद बन गए। फैजाबाद में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट जीत कर बीजेपी हिसाब बराबर करना चाहती है। अयोध्या में एक और हार बीजेपी को अब मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, इसलिए सुपर 30 की बैठक के अगले ही दिन वे अयोध्या पहुंच गए। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। जी हां, कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में तो फिलहाल नहीं है। जाहिर है सपा और बसपा के लिए कटेहरी और मिल्कीपुर सीटें सियासी तौर पर काफी मुफीद मानी जाती हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाने वाली दोनों सीटों का जिम्मा सीएम योगी को मिला है। मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर बीजेपी को जिताने का ताना बाना सीएम योगी खुद बुनेंगे। इसके अलावा इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज है। वहीं जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जाती है। ऐसे में देखना है कि सीएम योगी कैसे बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख पाते हैं। इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। देश में पिछले कुछ सालों से देश के पहलवान चर्चाओं में हैं। वजह रहा उनका शोषण। जी हां, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ शोषण किया था। महिला पहलवानों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया, जो देश के मेडल लेकर आए वो सड़कों पर लौटते नजर आए। लेकिन अब तक इस मामले में दोषी कौन है कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अब इसी बीच भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से शानदार खबर ये आई कि पहलवान विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई हैं, जिसके बाद सभी ये कह रहे थे कि अब बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज अचानक से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई कि गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार पहलवान विनेश फोगाट फाइनल मैच से पहले ही बाहर हो गई हैं। कहा गया वो ओवरवेट हैं, जिसके बाद अब विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट साजिश के अखाड़े में हार गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे पेरिस ओलंपिक में विनेश की हार का क्या है सियासी कनेक्शन। क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट है कि भारत इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने वाला है।
सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ से विरोध दर्ज करने को कहा है। इस बीच राजनेता से लेकर खेल के जानकार और किसान नेता तक इस मामले में साजिश रचे जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही विनेश फाइनल में पहुंची तो एक बार फिर से बृजभूषण चरण सिंह का मुद्दा उठ गया था। कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जिस बेटी की एक नहीं सुनी, वो बेटी देश के लिए फिर मेडल लेने जा रही है और अचानक से उनको मुकाबले से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से लोग साजिश की आशंका जताने लगे हैं। विपक्ष से लेकर कई संगठनों से इस विषय में आवाज उठी है। किसने क्या कहा वो भी बता देते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया, ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। वही अखिलेश यादव ने भी इस मामले की जांच पड़ताल कर इसके पीछे की असली वजह का पता लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान, विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। स्पोर्ट्स के जानकार पंकज मिश्रा ने लिखा, ओलंपिक टीम के साथ बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है, खिलाड़ी बस खेल पर केंद्रित होता है, भोजन पानी रहना सोना मालिश दवा इलाज नियम कानून का ध्यान रखना, टीम प्रबंधन टेक्निकल टीम सहायक स्टाफ कोच आदि की जिम्मेवारी है। कल 300 ग्राम कम था, आज 100 ग्राम ज्यादा, यानी सपोर्ट स्टाफ की साफ लापरवाही है। पप्पू यादव ने भी षड्यंत्र की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट फिर से अन्याय का शिकार हुई है। हालांकि साजिश थ्योरी के खिलाफ भी तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा फैसला आना जरूर हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया था। किसी भी ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली महिला पहलवान बनी थी, लेकिन एक दिन में सब कुछ बदल गया और गोल्ड मेडल के दावेदार इस धुरंधर को ओलंपिक से ही बाहर होना पड़ा। देखा जाए तो पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि वो अपने 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक मुकाबले में निर्धारित वजन को कायम नहीं रख सकी। अब विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफाई होने पर पूरे देश में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कहीं ये साजिश तो नहीं, कहीं राजनीति तो नहीं, क्योंकि महज कुछ किलोग्राम के वजन ज्यादा होने पर इस तरह से फाइनल में डिस्क्वालिफाई होना साधारण नहीं लग रहा। फिलहाल इसमें साजिश है या केवल नियम का पेच, ये वाकई अब जांच का विषय है। इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। बांग्लादेश में आरक्षण के बाद शुरू हुए आंदोलन ने सियासत की पूरी तस्वीर पलटकर रख दी है। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह सरकार विरोधी अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बाद ढाका से दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंची। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। इन सभी हालातों के बीच अगर वहां राजनीतिक अस्थिरता पनपी तो फिर पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है और भारत में भी इसका असर दिखेगा, कैसे वो भी बता देते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 53 वर्षों से द्विपक्षीय संबंध बेहद मधुर रहे हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। वहीं चीन और पाकिस्तान से देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार हो जिससे उसके रिश्ते मधुर हो। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश को 6052 वस्तुओं का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2023 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर
और वित्तीय वर्ष 2022 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में अराजकता फैलने का फौरी असर तो भारतीय कारोबारियों पर कुछ नहीं होगा, हालांकि अगर ये मामला लंबा चलता है तो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बांग्लादेश से आने वाली आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश के हालात खराब होने से कारोबारियों को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज क्या हुआ और भी खास वो भी बता देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के चरखी दादरी में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की। सीएम मान ने इस दौरान कहा कि ऐसी गलतियां इतने ऊंचे स्तर पर हो रही हैं। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द किए जाने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूजा खेडकर की याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता पर कोई जांच या राय व्यक्त नहीं की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इनमें से एक बड़ी स्कीम है युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसी सिलसिले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने अब पीएम इंटर्नशिप योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस स्कीम को शुरू करने के लिए उद्योगों से बात करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक बात करके जाएंगे। बजट पर अब तक चर्चा हो रही है, मगर हमारा भी एक सवाल अब भी है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों से सवाल तो नहीं खत्म होने वाले। राज्यों में विधायक होते हैं, उनमें से किसी एक पक्ष के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। लगता है सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि विधायकों मंत्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जा सके, उनके वेतन भत्तों में लगातार बढ़ोतरी की जा सके। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पारित किया। इसमें प्रावधान है कि अब विधायकों की तनख्वाह हर साल खुद ही बढ़ती रहेगी। इसके लिए बार बार विधेयक या प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं होगी, यानी दूसरी बार विधायक बनने पर 2 गुनी, तीसरी बार में 3 गुनी और चौथी बार में 4 गुनी सैलरी मिलेगी। वहीं आम आदमी के टैक्स में कोई कमी नहीं की गई, क्योंकि उसी टैक्स से तो ये सब वेतन भत्ते और बाकी सुविधाएं भोगी जाती हैं। सामान्य व्यक्ति के ऊपर लदे टैक्स की कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले तो उसे टैक्स कट कर ही वेतन मिलता है, फिर उस टैक्स कटे हुए पैसे से जब वो कुछ खरीदता है तो 5% से 28% तक GST देता है। पेट्रोल की जितनी असल कीमत नहीं होती उससे दोगुना उस पर टैक्स गिना जाता है। वास्तविकता में हर आम आदमी टैक्स के इस झंझट को हमेशा झेलता है और विधायकों मंत्रियों की सुख सुविधाओं के बारे में भी सुनता रहता है, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। तब भी नहीं जब ये नेता हमारे घर के आगे वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। इसलिए जरूरत है सरकार भी इस बारे में सोचे। इसी के साथ पेश है आपके लिए आज का सुविचार। कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है।